कितने शर्म की बात है, कितना सोचने वाली बात है, धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो वीडियो बना रहे हैं लोगों का गला काटते समय, और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि ये डरे हुए लोग हैं, फिर भी वोट के चक्कर में अपनी बहन बेटियां बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, केवल वोट के चक्कर में कहते हैं कि ये डरे हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को सीधा फांसी दो। जब ये हत्याएं तालिबान के हिसाब से कर रहे हैं तो इनको भारतीय कानून के हिसाब से सजा क्यों दी जा रही है? इनको भी तालिबानी अंदाज में मारो सीधा, अपने आप समझ में आ जाएगा। कमलेश तिवारी पे अगर एक्शन हुआ होता, खुलेआम मार दी गई होती, तो आज ये दोबारा नहीं होता कन्हैया के साथ में। राजस्थान में उदयपुर में ही तीसरी घटना है, ये तीसरी घटना उदयपुर की है। पहला गढ़ी प्रतापपुर में मारा गया गौरव भट्ट, दूसरा भिलवाड़ा में मारा गया आदर्श, अब तीसरा कन्हैया का नंबर है, उसी उदयपुर की कहानी है ये। सोचने वाली बात है राजस्थान सरकार में कितना इनको छूट दिया गया है, जिहादियों को, बलात्कारियों को, दंगाइयों को। खुलेआम मंदिर तोड़ा जाता है, मंदिर तोड़ने का विरोध करने वाले को ही जेल में डाल दिया गया, मंदिर तोड़ने का जो विरोध किया उसको जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद कोई अपना घर छोड़ के भाग रहा है, कोई अपनी पढ़ाई छोड़ के भाग रहा है। ये राजस्थान की सरकार है, जो भी लिप्त है उनका घर गिरा, उनके घर परिवार को उसी घर में दफना दो, तब जाके इनको समझ में आएगा कि नहीं ये जिहाद होता क्या है। कुछ लोग कहते हैं भाई घर वालों की क्या गलती है जो घर वालों को उसमें ले रहे हो, गलती तो बच्चों ने की है। घर वालों की सबसे बड़ी गलती है कि तुम अपने घर में तुम्हारे साथ ही 24 घंटा रहने वाला राक्षस है और तुम्हें ये चीज का पता नहीं है। क्यों नहीं मालूम है तुम्हें? मैं एक आतंकवादी हूँ और मैं अपने घर में जा रहा हूँ, रोज बम लाने के बम बना रहा हूँ, गले काटने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मेरे घर वालों को पता नहीं है? हो ही नहीं सकता, बिना घर की सहमति से अगले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबको लगता है कि मेरा वाला अब्दुल वैसा नहीं है, मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, वो दिन रात घर जाता है, काम करता है, लेकिन आज उनको पता चल गया ना कि मेरा वाला तुम्हारा वाला नहीं, सबका अब्दुल एक ही है। कि उनके खिलाफ जाओगे, धर्म के खिलाफ जाओगे तो गला ऐसे ही काट दिया। उनके भी पड़ोसी थे ना संगठन, राजस्थान में खुलेआम निकाल रही रैली और पुलिस वहां पे प्रोटेक्शन दे रही है, और यहां पे एक श्रद्धांजलि सभा दिल्ली के जंतर मंतर पे आयोजित किया जाता है तो पुलिस कह देती है कि अभी इस चीज का हम परमिशन नहीं दे रहे। ये हिंदू समाज है और एक मुस्लिम समाज है, आतंकवादी को परमिशन दिया गया है लेकिन यहां पे हिंदुओं को श्रद्धांजलि सभा का परमिशन नहीं दिया गया है। ये फर्क है हिंदू और मुस्लिम में, ये फर्क है सरकारों में। जहां तुम राजनेता के पीछे पीछे तलवे चाट रहे हो ना, कल को वो भी तुम्हें मार के लात निकाल देंगे, कोई पूछ नहीं आएगा।